हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज दर्शन करेंगे पांडव कालीन प्राचीन शिव मंदिर गगन जी का टीला के। पंजाब के जिला होशियारपुर के शहर दसुहा से 16 किलोमीटर दूर प्राचीन शिव मंदिर गगन जी का टीला है। वैसे तो पंजाब में पहाड़ी क्षेत्र बहुत कम है, लेकिन अगर पहाड़ी देखनी है तो ये पंजाब के होशियारपुर, पठानकोट, रोपड़ और मोहाली जिले की जयंती माता मंदिर आदि क्षेत्र में मिलेंगे। इसी तरह जालंधर से पठानकोट जाते समय एक शहर आता है दसुहा, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में यह राजा विराट की नगरी थी, जहां पांडवों ने अज्ञातवास के आखिरी साल बिताए थे। यह समय उन्होंने वेश बदलकर गुजारा था। इसी विषय में पांडवों ने भगवान कृष्ण से सलाह ली थी, तो कृष्ण जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा था। तब पांडवों ने दसुहा के पास इस जंगल में पहाड़ी टीले पर भोलेनाथ की पूजा की और शिवलिंग की स्थापना की। फिर पांडवों ने दसुहा में राजा विराट की नगरी में नौकरी दी थी। पांडव हर पूर्णमासी और अमावस्या को इस जगह पूजा करने वेश बदल कर आते थे, क्योंकि अगर वे पकड़े जाते तो उन्हें 13 साल का वनवास और मिल जाता। कलयुग में हिमाचल का एक राजा इस टीले के पास से गुजर रहा था, तो उसे लगा इस टीले पे कुछ बना हुआ है। जब वहां जाकर देखा तो उसे एक शिवलिंग के दर्शन हुए। उस राजा की कोई औलाद नहीं थी। तब उसने भगवान शिव की पूजा की और कहा कि अगर उसे औलाद प्राप्त हो गई तो वो यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाएगा। भोलेनाथ की कृपा से उस राजा के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम गगन रखा गया। उसी के नाम पर इस जगह का नाम गगन जी का टीला रखा गया। राजा ने यहां मंदिर का निर्माण करवाया। यहां चढ़ाई चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। कुछ दूरी पर शेड भी बने हुए हैं। थोड़ी ऊंचाई पर जाकर पंजाब के हरे भरे खेतों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। मंदिर भी बहुत शानदार बना है। यहाँ पर लंगर की सुविधा भी है। आसपास के लोगों में इस मंदिर को लेकर बहुत श्रद्धा है। कभी पठानकोट या होशियारपुर आए तो इस मंदिर के दर्शन भी जरूर करें। गगन जी का टीला पंजाब के होशियारपुर जिले में जालंधर पठानकोट हाईवे पर बसे शहर दसुहा से तलवाड़ा की तरफ 16 किलोमीटर दूर है। गगन जी का टीला पहुंचने के लिए निकटतम स्टेशन दसुहा है। होशियारपुर जिले में पांडवों से संबंधित और भी बहुत सारी प्राचीन जगहें हैं, जहां आप जा सकते हैं।
बाबा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए हर हर महादेव।